I have the power today to welcome Honorable Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Patel, Honorable Raksha Rajya Mantri, Sri Ajay Bhatt, Honorable Education Minister, Government of Gujarat, Sri Jitubhai Bhavani, Honorable Finance Minister, Government of Gujarat, Sri Kaunbhai Desai, Honorable Minister of State, Industries, Government of Gujarat, Sri Jagdish Panchal, Defense Secretary Dr. Ajay Kumar, Chief Secretary Government of Gujarat, Sri Pankaj Kumar, Additional Chief Secretary Government of Gujarat, Sri Raj Kumar, Additional Secretary Defense Production, Ministry of Defense, Sri Sanjay Jaju, Joint Secretary Defense Industries Production, Ministry of Defense, Sri Anurag Vajpayee on the podium, and several other dignitaries, including DRDO Chairman, Secretary R&D, Dr. Samir V. Kamath, CMD, Hindustan Aeronautics Limited, C.V. Ramakrishnan, Director of Defense Execution Organization, Dr. Sri Achal Malhotra. Friends from media, without much further delay, I now request Honorable Raksha Mantri, who is the inspiration and guidance for the Defense Force over the years, to address the gathering. मध्य गुजरात के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान अजय भट्ट और गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे और साथ ही साथ गवर्नमेंट के उप प्रधान के रूप में भी हमारे मंत्री जीतू भाई बघानी और हमारे कानू भाई देसाई मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जगदीश भाई ईश्वर भाई विश्वकर्मा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीज डॉक्टर अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी श्री पंकज कुमारी चीफ सेक्रेटरी गुजरात राजकुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात श्री संजय यादव एडिशनल सेक्रेटरी श्री अनुराग वाजपेयी ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरे मीडिया के मित्रों देवियों और सज्जनों आज मैं डिफेंस एक्सपो 2022 के कर्टन रेजर में आप सभी मीडिया परिवार के सदस्यों के बीच उपस्थित हूं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी मीडिया के मित्रों का स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। मैं आप सभी मीडिया के मित्रों को इस डेफ एक्सपो की सफलता का अग्रदूत मानता हूं। डेफ एक्सपो की कवरेज को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। मैं समझता हूं इसमें आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी। गांधीनगर में आयोजित हो रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का यह महासंगम आप सबके सहयोग से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, गुजरात की धरती अपनी जीवंत कला, समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है और इस धरती ने महात्मा गांधी के रूप में दुनिया को ऐसी महान विभूति प्रदान की है जो आज सत्य अहिंसा और मानवता के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन के एक स्थापित प्रतीक है। ऐसे में इस डेफ एक्सपो का पहली बार इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक्सक्लूसिवली होना महज एक संयोग नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता की और तेजी से आगे बढ़ रहे भारत की स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस डेफ एक्सपो का आयोजन अगले 25 वर्षों में एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में अग्रणी देशों में शामिल होने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डायनेमिक लीडरशिप में भारत के डिफेंस सेक्टर ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे समर्पण के साथ पांच टू प्राइव की तरफ कदम अपने आगे बढ़ाए हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर वैश्विक स्तर पर डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इस राष्ट्र ने पिछले कुछ वर्षों में आर्म्स के सबसे बड़े इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर तक की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी तय की है। यह इसको इस जर्नी को और अधिक कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास।
जो भारत कभी आज के कुछ वर्षों पहले दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, आज वो हमारा भारत दुनिया की टॉप 25 जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी क्यों में आकर खड़ा हो गया है हमारा भारत। इस एक्सपो की टीम यानी पांच प्राइड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण के सर्वथा अनुरूप है। साथियों, पांच प्राइड इस एक्सपो की महज एक थीम है नहीं बल्कि नए भारत का यह विजन है। प्राइड का मतलब है हमारे अपने विचारों पर गौरव, प्राइड का मतलब है हमारे अपने ज्ञान विज्ञान पर गौरव, प्राइड का मतलब है हमारी अपनी सोच पर गौरव, प्राइड का मतलब है हमारे स्वदेशी उत्पाद पर गौरव। आज हम दुनिया को नए विचार से लेकर नए उत्पाद देने की ओर अग्रसर है। अगर हमें दुनिया को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा दिलाना है सबसे पहले हमारा खुद का ऊपर भरोसा करना भी अनिवार्य होगा। पांच प्राइड उसी भरोसे को प्राप्त करने वाली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हमारे पूरे देश की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई, एकेडमिया, स्टार्टअप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्टेबलिशमेंट अपने की आंख से लगे हुए हैं। 2022 का उद्देश्य डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री की शक्ति का यह प्रदर्शन है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत आज राष्ट्र की मेक इन इंडिया, नॉट ओनली मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प के प्रमुख प्रेरकों में से एक है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपनी ओर से आभार व्यक्त कर रहा हूं। रक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमें शुरू से ही उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं गुजरात के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं, उनके पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त कर रहा हूं जिनका इस आयोजन में हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। मित्रों, अपने आतिथ्य सरकार के लिए गुजरात पूरे विश्व में जाना जा रहा है। अब इसकी परीक्षा भी हो जाएगी आगे तीन दिनों। इस भूमि ने अपने तो अपने बाहर से आए हुए शरणार्थियों को सदैव अपना समझा है और जरूरत पड़ने पर उनका स्वागत किया है। इसमें कहीं संदेह नहीं है क्योंकि पहले भी गुजरात में आना आ रहा है, पर आतिथ्य के मामले में मैं गुजरात के लोगों का अच्छी तरह जानता हूं। इनका यदि मुझे कहना हो एक शब्द में तो आतिथ्य के मामले में मैं कहूंगा गुजरात बेजोड़ अनमैच। इस प्रदेश का एरिया ही नहीं, इस प्रदेश का एरिया ही नहीं बल्कि दिल भी बहुत बड़ा। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम का सहयोग इस आयोजन को अब तक के सबसे सफल 10 एक्सपो में बदल दिया। यह एडिशन एक्सक्लूसिव यूनियन सेलर्स के लिए पहला एडिशन है। 10 एक्सपो 2022 के लिए इंडियन कंपनीज, फॉरेन ओईएम्स की इंडियन सब्सिडियरीज, इंडियन पार्टनर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर आदि को इंडियन सेलर माना गया है। साथियों, आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प के अनुरूप है और आजादी के अमृत महोत्सव समारोह को नई ऊंचाई पर ले आने का यह हमारा प्रयास भी है। मुझे यह बताया गया कि इसका आयोजन 1,00,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा है जो कि अब तक के सभी डेफ एक्सपो आयोजनों में सबसे बड़ा। इसमें महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर प्रमुख हैं जो एग्जीबिटर्स का एक केंद्रीय स्थल है। इसी तरह हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर भी एग्जीबिशन का एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। साबरमती रिवर फ्रंट पर पांचों दिन लाइव डे में इस एक्सपो का एक प्रमुख आकर्षण है। भारतीय सेना द्वारा इंडियन प्लेटफॉर्म्स और ड्रोन शो का डिस्प्ले भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप मेंटर बॉट लैब्स जो कि एक आईडेक्स विनर है द्वारा शो पर पोरबंदर में जनता के लिए
सिर्फ विजिट्स और इसी तरह की कई अन्य एक्साइटिंग चीजें इस एक्सपो में शामिल है। मित्रों, यह बड़े हर्ष का विषय है कि संसार में 1300 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं, जो अब तक आयोजित डिफेंस एक्सपो में सबसे बड़ी संख्या है। आयोजन के क्रम में सभी राज्यों को अपने पैवेलियन स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर नेशन बिल्डिंग में भाग लेने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी आदि को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और अपने अपने राज्यों को प्रमोट करने का यह अवसर प्रदान करेगा, जिससे इंडिजिनस एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए विभिन्न राज्यों की पोटेंशियल को डबल किया जा सके। मित्रों, स्टार्टअप और एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिप नंबर 2022 में कोटा राजस्थान में पहली बार एक नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया। इस एक्सपो में उनके लिए स्पेस एलोकेट करने में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है। साथियों, इंडियन पैवेलियन एक मार्की पैवेलियन होगा, इसमें एक ओर इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन होगा, वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन भी वो कर सकेंगे। यह पैवेलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफेंस समेत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी के शोकेस का भी एक सशक्त माध्यम होगा। यह पैवेलियन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में 2047 के भारत के दृष्टिकोण को यह प्रस्तुत करेगा। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं इनोवेशन करने वाले हमारे कई स्टार्टअप के इनोवेटिव प्रोसेस को भी प्रदर्शित करने के लिए इस बार एक एक्सक्लूसिव आईडेफ पैवेलियन भी होगा। डेफ एक्सपो 2022 आयोजन की बोर्ड के कार्यकारिणी के बाद निर्मित वाली 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की पहली वर्षगांठ को ही सेलिब्रेट करेगा। सभी 7 कंपनियां डेफ एक्सपो 2022 में पहली बार भाग लेंगी। साथियों, विख्यात उद्योगपतियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच होगा। यह रक्षा क्षेत्र में उनके इन्वेस्टमेंट प्लान को इंडिकेट और प्रायोरिटाइज करने में भी यह सहायक होगा। विदेश में डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दे सकते हैं और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड में भागीदार भी वो बन सकते हैं। यह देश में नई एमएसएमई और स्टार्टअप के विकास को भी बढ़ावा देगा, जिससे वे ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदार बन सकते हैं और रोजगार के नए अवसर को भी यह जन्म दे सकते हैं। डेफ एक्सपो 2022 में होने जा रहे 21 सेमिनार्स में सरकार, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट अकेडमिया, थिंक टैंक आदि के इमिनेंट जो पैनलिस्ट के साथ गहन विचार विमर्श किया जाएगा, उससे हमें डिफेंस सेक्टर के आगे के विकास के लिए महत्वपूर्ण लर्निंग्स, टेकअवेज और एक्शन पॉइंट भी मिलेंगे। सदी की सबसे भयानक महामारी से राहत इस आयोजन की सफलता में सहायक होगी। डेफ एक्सपो 2022 में इंटरनेशनल डिसीजन मेकर्स जो डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, इनकी भागीदारी को, इनके पार्टिसिपेशन को सुगम बनाया गया है। अंत में मैं आज यहां ओलू मीडिया के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वे सभी इवेंट्स को इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली कवर करने का कष्ट करें। यह आपका कोऑपरेशन और सपोर्ट ही है जो इसे विजिबिलिटी प्रदान करेगा और इस आयोजन को सफल बनाएगा। मीडिया का उद्देश्य, मैं समझता हूं, किसी घटना का प्रसारण नहीं होता है, यह तो उसका एक मूल कार्य है, पर इससे कहीं आगे बढ़ते हुए मीडिया समाज में जन जागरण का भी कार्य कर रहा है। आपके अंदर वह अद्भुत क्षमता है कि आप देश देश से जन जन को इस इवेंट से जोड़ सकें, ऐसे में मैं आपको फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देखता हूं। भाषण के प्रारंभ में अग्रदूत के रूप में मैंने देखा था आपको और भाषण के अंत में आपको मैं फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देखा। आपके माध्यम से
कन्याकुमारी से लेकर असम के कामरूप और काश्मीर के कठुआ तक के बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, यानी समस्त नागरिक डेफ एक्सपो से मन से जुड़ सकते हैं। आप सभी ने हमारे रक्षा क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व प्रगति से जुड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इस प्रगति के बारे में जब कोई बच्चा जानेगा, हो सकता है वो कुछ और नया करने के लिए प्रेरित हो, और आने वाले समय में हमारे देश को एक और डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक और डॉक्टर सतीश धवन या एक और डॉक्टर विक्रम साराभाई मिले, जो हमारे देश का नाम रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले। इसलिए मैं आपका सहयोग मांग रहा हूं, ऐसे में मैं आप सभी से पूरे सहयोग से इस इवेंट को कवर करने और अधिक से अधिक प्रचारित करने का मैं विनम्र आग्रह करता हूं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मीडिया टीम आपकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। अंत में एक बार फिर मैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और आप सभी मीडिया के मित्रों की और पूरे मीडिया परिवार को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन भी समाप्त करता हूँ।